सबसे चर्चित विरनपुर हत्याकांड मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। अब इस पूरी मामले की जांच जो है वो सीबीआई करेगी और ये मामला आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी गूंजा। साझा विधायक और भुवनेश्वर साहू के पिता यहां पर ईश्वर साहू ने इस मुद्दे को उठाया विधानसभा में, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विरनपुर हत्याकांड मामले की जांच सीबीआई करने की यहां पर घोषणा भी उनकी ओर से की गई है। तो काफी चर्चित रहा ये हत्याकांड और इस हत्याकांड की आज गूंज जो है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र के दौरान भी गूंजती हुई सुनाई दी। साझा विधायक भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने यहां पर मुद्दे को उठाया, जिसके बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विरनपुर हत्याकांड के मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा भी कर दी है। ये भारतीय लोकतंत्र की कितनी बड़ी जीत है, कितना सशक्त हमारा लोकतंत्र है। उनके बेटे की हत्या हुई है हम सब जानते हैं, और उसके लिए न्याय की गुहार वो लगातार लगाते रहे। आज गजब संयोग रहा कि मैं भी उस विषय पर वहां तक गया था और आज उन्होंने स्वयं सदन में सदस्य बनकर स्वयं ध्यानाकर्षण लाया और ये कहा कि इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए। पिता के हृदय के इस दर्द को मैंने क्या पूरे सदन ने महसूस किया और उस पर सीबीआई जांच की उनकी मांग थी, उस मांग को पूरा किया गया है। सीबीआई जांच के लिए इस विषय को भेजा गया। तो देखिए, इसमें 36 लोगों के नाम भी जो है वो पूरे मामले को सौंप दी गई है। अब आगे देखना होगा क्या कुछ खुलासे निकलकर सामने आते हैं। तो ये बड़ा हत्याकांड था जो कि काफी सुर्खियों में भी छत्तीसगढ़ में बना रहा, और घोषणा के बाद अब ईश्वर साहू को न्याय दिलाने की उम्मीद भी है। ईश्वर साहू से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, सुनिए आप। विरनपुर की घटना को लेकर आज विधानसभा में एक बड़ी घोषणा हुई है। विधानसभा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने सीबीआई जांच की मांग की है और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है साझा से विधानसभा के विधायक ईश्वर साहू, और जिन्होंने ये पूरा मसला उठाया था और उन्होंने अपने पुत्र के हत्या को लेकर न्याय की मांग की थी। आज सीबीआई जांच की घोषणा हुई है, कितने संतुष्ट हैं आप? बहुत संतुष्ट हूं, मेरे दिल को संतुष्टि मिली, अब मेरे को जरूर न्याय मिली। अब मोर बच्चल के कातिल मला सजा मिली, हमला न्याय मिली। आपने एक बात कही थी कि सिर्फ 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी बचे लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और सदन में सबसे पहले आपने ये कहा था कि न्याय कब मिलेगा, मैं विधायक भी हूँ, उसके बावजूद मेरे को न्याय नहीं मिला। हाँ, तो बोला कि अभी 8-10 महीने घटना को 10 महीने टाइम हो गए, आज तक जो 36 लोग हम नाम दे रहे हैं उसमें केवल 12 लोगों को गिरफ्तार करे हैं। आज भी मोर लड़का के कातिल है, आज भी मोर लड़का के हत्यारा मोर नजर के सामने गांव में घूमा थे, और अभी तक शासन कुछ नहीं करी इसे। तो ये बात मैं सदन में रखे हूँ, सदन में माननीय गृह मंत्री से आश्वासन मिली कि सीबीआई जांच कराया ही करके, तो अब जरूर मोला न्याय मिली। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच का क्या असर होता है वो सबको पता है, जांच लंबी खिंचाती है। बीजेपी सत्ता में आई है, तुरंत जब सरकार बनी पहली कैबिनेट में ही इस तरीके की घोषणा कर देनी थी। अब वो तो कांग्रेस का तो ये बोलेंगे, वो खुद अपने को झांक के नहीं देखेंगे कि हमारा क्या हश्र मिला। उनको डर सताने लग गए, सीबीआई जांच का नाम सुनते ही उनको डर से लग गए, वो डरने लग गए अभी से नाम सुनते ही। उनसे अब ये उम्मीद है ईश्वर साहू को कि उनके पुत्र को न्याय मिलेगा जिनकी हत्या वहां पर की गई थी। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, आपने एक पिता के दर्द को सुना और अब सीबीआई को जांच जो है सौंप दी गई है, जिसके बाद अब इस हत्याकांड के खुलासे होंगे और निश्चित तौर पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। खबरों में और भी करेंगे।